देखिए कई दिनों बाद रामचरण सर की 8 से 15 फिल्म से बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, वो भी उसके टाइटल अनाउंसमेंट से ही। हाँ भाई, फाइनली उसका टाइटल रिवील हो चुका है और उसके अलावा भी 8 से 15 के टीजर से भी अच्छी अच्छी खबर आ गई है। तो आइए जानते हैं सब कुछ 8 से 15 के बारे में ही। जहां तो पहले आपको 8 से 15 का टाइटल ही बता देता हूँ, तो भाई फिल्म का नाम है CEO। और हाँ, इस टाइप का नाम है तो ये कतई मत सोच लेना कि आप 8 से 15 एक बिजनेस टाइप की फिल्म है वारसू जैसा। ना भैया, जैसे कि आपको मालूम ही होगा 8 से 15 एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, सो इसका CEO का मतलब भी पॉलिटिकल ही है, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और इसे CEO फिल्म में रामचरण सर का डबल रोल है, एक बाप का और एक बेटा का, जिसमें से बाप का कैरेक्टर अपने जमाने में एक टीचर था स्कूल का, और वही जो बेटा कैरेक्टर है वो IAS ऑफिसर है, और उसी IAS किरदार के ऊपर पूरी फिल्म बनी है, और इसलिए फिल्म का टाइटल भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रखा गया है। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, 8 से 15 का टीजर आ रहा है 26 मार्च को, यानी रामचरण सर के जन्मदिन के दिन, और अब उस टीजर का लेंथ भी रिवील हो चुका है। ऐसा बताया जरा, इस टीजर का लेंथ 1 मिनट से कम होगा, यानी कि ग्लिम्स ही समझो आप। लेकिन 8 से 15 का फुल टीजर बोला जा रहा है ज्यादा दिन दूर नहीं, बस अप्रैल में ही आ सकता है, यानी ईद फेस्टिवल पर, और ये फेस्टिवल हो रहा है 21 अप्रैल को ही। देखते हैं पहला छोटा टीजर कैसा होता है, फिर बड़ा टीजर का इंतजार करेंगे। और साथ में कमल हसन सर का इंडन 2 का भी रिलीज डेट अनाउंस हो चुका है, वो आएगी फिल्म इसी दिवाली पर। शायद इंडन 2 के बाद ही 8 से 15 भी रिलीज हो सकती है। और वैसे तो बोला जा रहा है डायरेक्टर एस शंकर ने मूवी का 75% पोर्शन का शूट कंप्लीट कर लिए, और बाकी बचा हुआ पोर्शन उसको आराम आराम से कर ही रहे हैं। देखते हैं कब इस आराम आराम से वो मूवी का शूटिंग खत्म कर पाते हैं पूरी तरह से। बाकी आप बताना कमेंट में आपको कैसे लगी टाइटल CEO 8 से 15 का। और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।